हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश के बारे में। ये हमारा एडवांस इंग्लिश का पार्ट टू रहेगा। पार्ट वन अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज सीखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सच बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस तरह के वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ बचा ही नहीं, आखिर इसको इंग्लिश में हम कहते क्या है। कुछ बचा ही नहीं को हम इंग्लिश में कहते हैं नथिंग लेफ्ट। क्या कहते हैं? Nothing left। अब इसके रूल्स को जान लेते हैं। इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले nothing left होगी, प्लस टू होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि nothing left प्लस टू प्लस वर्ब वन। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, nothing left to speak, Nothing left to speak। Second है, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कैसे कहेंगे? Nothing left to think, Nothing left to think। Third है हमारा, पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कैसे कहेंगे? Nothing left to drink, Nothing left to drink। फोर्थ है हमारा, झूठ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, झूठ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसको कैसे कहेंगे? Nothing left to tell a lie, Nothing left to tell a lie। नेक्स्ट है हमारा, खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? Nothing left to buy, Nothing left to buy। नेक्स्ट है हमारा, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसको कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? Nothing left to eat, Nothing left to eat। नेक्स्ट है हमारा, सच बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सच बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, Nothing left to tell a truth, Nothing left to tell a truth। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप बताएंगे कि इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इन दोनों वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।